दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए हमले को लेकर जांच तेज। इजरायल से आने वाले हैं जांच अधिकारी। सूत्रों के हवाले से खबर, इजरायल की जांच टीम आज पहुंच सकती है दिल्ली। दूतावास के बाहर हुए हमले को लेकर इजरायली गंभीर घोषित कर चुका है इसे आतंकी घटना। भारतीय एजेंसियों को मदद करेगी इजरायल की एजेंसी, इस मामले में पहले से चल रही है जांच। बम एमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की भी आशंका, आमतौर पर पटाखे में होता है इसका इस्तेमाल। स्पेशल सेल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी, जनरल हाउस की ठीक सामने हुआ था धमाका। जनरल हाउस से ठीक सामने का सीसीटीवी नहीं कर रहा था काम, बाकी सीसीटीवी पुलिस के कब्जे में। मौके से मिले सॉफ्ट ड्रिंक की केन के कुछ टुकड़े, इसी के जरिए विस्फोटक तैयार करने की आशंका। 3 बजे इजरायली दूतावास से लगभग सब लोग जा चुके थे, जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त कोई मूवमेंट नहीं था। बम प्रेशर से फटा, इसीलिए सड़क के दूसरी तरफ कार के शीशे टूटे। बम के ऊपर इजरायल एम्बेसडर लिखा हुआ था। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद देश में तमाम हवाई अड्डों समेत महत्वपूर्ण ठिकानों पर अलर्ट, चौकसी बढ़ी, सुरक्षा कड़ी। इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के सिलसिले में जांच एजेंसियों को मिली चिट्ठी, भारत में इजरायल के राजदूत के नाम है खत। जांच एजेंसियां कर रही हैं चिट्ठी की पड़ताल, खत में इजरायली दूतावास को लेकर लिखी हैं कई बातें। धमाके के बाद इजरायली दूतावास ने जारी किया बयान, घटना में कोई हताहत नहीं, पूरा स्टाफ सुरक्षित। मौका वारदात के पास से जांच एजेंसियों ने 3 सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया। सूत्रों के हवाले से खबर, फुटेज से मिल सकते हैं सुराग। दूतावास के बाहर शाम के करीब 5:05 पर हुआ था धमाका। महज 2 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा था बीटिंग रिट्रीट समारोह। दूतावास से 150 मीटर दूर फुटपाथ और झाड़ियों के बीच हुआ धमाका, आईडी के जरिए विस्फोट का शक। कम तीव्रता का था धमाका, सड़क के दूसरी तरफ खड़ी 3 कारों के शीशे टूटे। एफएसएल ने मौके से जमा किए विस्फोटक के सैंपल्स, धमाके के केमिकल को लेकर जारी है जांच। ठीक है, और वो हमारे लेबोरेटरी में वो जमा कराएंगे, और जो भी लेबोरेटरी में जांच होगा उसके बाद ही कुछ भी पता चल। नहीं, अभी जांच करके जो भी हमें एग्जिबिट मिला है हम लोगों ने हैंडओवर कर दिया है। धमाके को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस, कमिश्नर ने भी किया मौके का मुआयना। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची, देर रात तक तलाश गए सुराग। विजय चौक से महज 1.8 किलोमीटर की दूरी पर हुआ विस्फोट, बीटिंग रिट्रीट समारोह में शामिल थे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति। धमाकों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी चीफ समेत आला अफसरों के साथ की हाई लेवल मीटिंग, रद्द किया बंगाल दौरा। धमाके की जगह से जांच एजेंसियों को मिले स्टील के छर्रे, विस्फोटक में मिलाए जाने का शक। भारत इजरायल कूटनीतिक संबंधों की 29वीं वर्षगांठ के मौके पर हुआ धमाका, इजरायली राजनयिकों ने भी किया खास कनेक्शन का जिक्र। इजरायल ने जताया था आतंकी हमले का शक, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत पर जताया अपने नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा। एनएसए अजीत डोभाल की इजरायली एनएसए से हुई बातचीत, धमाके से बने हालात पर चर्चा। दिल्ली में विस्फोट के बाद मुंबई में भी हाई अलर्ट, इजरायली वाणिज्य दूतावास की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू में वैष्णो देवी की सुरक्षा बढ़ी, नाके लगाकर की जा रही है वाहनों की जांच। उत्तर प्रदेश में भी जारी किया गया अलर्ट, मुख्यमंत्री योगी ने दिए संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश। दिल्ली धमाके के बाद अयोध्या में सुरक्षा बढ़ाई गई, राम मंदिर परिसर की कड़ी चौकसी। उत्तराखंड में हरिद्वार समेत 4 जिलों में सुरक्षा बढ़ी, दिल्ली धमाकों के बाद अलर्ट जारी। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भी पुलिस ने तेज की चौकसी, दूतावास धमाके के बाद आने जाने वालों की हो रही है पड़ताल। आज किसान संगठन करेंगे अनशन, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल। किसान संगठनों ने देश भर से मांगा है समर्थन, हर जिले में अनशन करने की अपील। पड़ोसी राज्यों से गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं किसान,
देर रात तक पहुंचते रहे किसानों के जत्थे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी गाजीपुर पहुंचे, किसान आंदोलन के लिए जताया समर्थन। गाजीपुर बॉर्डर पर शुक्रवार को फिर हुई रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी की तैनाती। गाजियाबाद प्रशासन ने आंदोलनकारियों को दिया है बॉर्डर खाली करने का निर्देश। शुक्रवार को हुई झड़प के मामले में पुलिस ने 44 आरोपियों को पकड़ा, एसएचओ पर हमला करने वाला भी गिरफ्तार। सिंगू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों और किसानों के बीच जमकर हुआ था पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा। पुलिस ने किया बीच बचाव, तौलीपुर एसएचओ पर किसी उपद्रवी ने तलवार से किया हमला, जख्मी हुए इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार। एसएचओ के घायल होने के बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर भांजी लाठियां, भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। बवाल के बाद सिंगू बॉर्डर पर किसानों की अरदास, मंच से बोले बाहरी लोगों की वजह से हंगामा। दिल्ली के गाजीपुर में किसानों का धरना जारी, आज किसानों के पहुंचने की अपील। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत, कहा जारी रहेगा आंदोलन, दिल्ली कूच की तैयारी। यह लड़ाई छोटी नहीं जाएगी। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में नरेश टिकैत के साथ दिखे जयंत चौधरी, सरकार पर साधा निशाना। मुजफ्फरनगर जा रहे आरएलडी नेताओं को पुलिस ने बिजनौर में रोका, पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मोरिंडा में किसान आंदोलन के पक्ष में महापंचायत, हर घर से एक किसान को दिल्ली भेजने का फरमान। मोरिंडा की महापंचायत के फरमान पर सवाल, आंदोलनकारी नहीं भेजने पर दी जुर्माने की चेतावनी। किसान आंदोलन पर बदले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुर, कहा 26 जनवरी की हिंसा से छवि बिगड़ी। 26 जनवरी की घटना पर अकाल तख्त की दलील, कहा लाल किले पर निशांत साहब का झंडा फहराना कोई जुर्म नहीं। 26 जनवरी की हिंसा के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, सूत्रों का दावा पंजाब हरियाणा से आए थे ज्यादातर हुड़दंगी। राकेश टिकैत को पुलिस ने पूछताछ के लिए भेजा समन, लेकिन नहीं पहुंचे बीकेयू नेता, कहा वक्त मिलने पर जाऊंगा। दिल्ली पुलिस ने आपको बुलाया है पूछताछ के लिए, जब टाइम होगा मैं जब जाऊंगा। हिंसा के बाद बेहद नाराज हैं दिल्ली वाले, चांदनी चौक इलाके में लोगों ने निकाला तिरंगा मार्च। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, फॉरेंसिक टीम के साथ जुटाए 26 जनवरी की हिंसा के सबूत। हरियाणा पंजाब सीमा पर स्थित शंभू टोल प्लाजा खोलने की कोशिश, किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसान आंदोलन को लेकर जारी है सियासी भिड़ंत, राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बोले अन्नदाताओं से अपराधियों जैसा व्यवहार। होम मिनिस्टर से जाकर पूछिए और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। राहुल के वार पर बीजेपी का पलटवार, स्मृति ईरानी बोली देश के लोगों के बीच युद्ध कराना चाहते कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी वो नेता है जो चाहते हैं कि अराजक तत्व देश में न सिर्फ तिरंगे का अपमान करे बल्कि देश को तोड़ने का भी दुस्साहस करे। लोकसभा स्पीकर ने बजट सत्र को लेकर बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी पार्टियों से सदन की कार्रवाई में सहयोग की अपील। वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वे, सर्वे में अगले कारोबारी साल तक अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने का अनुमान। आर्थिक सर्वे में 2020-21 में विकास दर -7.7% रहने की जताई गई आशंका, इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी का दावा। आर्थिक सर्वे में मिले अच्छे संकेत, सप्लाई सुचारू होने से रिटेल महंगाई पर कमी। मध्य वर्ग के लिए बजट में आ सकती है नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, हेल्थ बजट भी किया जा सकता है दोगुना। विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट में गूंज रहा सेना का शौर्य गान, समारोह में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत दिग्गज हस्तियां मौजूद रही। अमित शाह का दौरा रद्द होने के बावजूद बंगाल बीजेपी के हौसले बुलंद, 31 जनवरी को हावड़ा में रैली का है कार्यक्रम। बंगाल के दुर्गापुर पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्थानीय लोगों के साथ खाया लिट्टी चोखा। ममता सरकार के पूर्व मंत्री राजीव बैनर्जी ने टीएमसी से भी दिया इस्तीफा, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। सुवेंदु अधिकारी ने ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी को भेजा कानूनी नोटिस, चुनावी रैली में गलत बयानी का आरोप लगाया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ममता को चेतावनी, कहा मई के बाद बंगाल में बहुत कुछ बदल जाएगा। आजमगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के नियमों की कड़ी उड़ी धज्जियां, प्राइवेट अस्पताल का स्टाफ बनकर आम नागरिकों ने लगवाया टीका।
स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब वैक्सीनेशन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स की बारी। टीकाकरण के लिए राज्यों को केंद्र की गाइडलाइंस जारी। कोविन ऐप में अपलोड किया गया 61 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटा। 1 फरवरी से शुरू होना वैक्सीनेशन। उत्तर प्रदेश में 2,95,000 स्वास्थ्य कर्मियों को लगा टीका। फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी 5 फरवरी से होगा वैक्सीनेशन। भारत में सरकार की कोशिशों से बचाए गए 1 लाख से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की जान। आर्थिक सर्वे में दी गई जानकारी। 1 फरवरी से मुंबई में आम लोगों के लिए शुरू की जाएगी लोकल ट्रेन। लॉकडाउन से ही जारी थी पाबंदी। अभी तक जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को मिल रही थी लोकल सेवा, अब कुछ खास वक्त पर आम लोगों को भी मिलेगी मेट्रो। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीआरपीएफ के जवान ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 जवान की मौत। लखनऊ में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप, घात लगाकर युवक पर हमला। दिल्ली में जारी है ठंड और कोहरे का डबल अटैक, पारा और गिरने का अनुमान। पंजाब और हरियाणा में जारी है ठंड का प्रहर, घनी धुंध ने भी बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बुंदेलखंड में जारी सर्दी का सितम, सुबह के 11 बजे भी सड़कों पर पसरा रहता है घना कोहरा। कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में पूरा का पूरा राजस्थान। माउंट आबू में 0 से 4.6 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड, शीतलहर की वजह से 3.5 डिग्री के करीब पहुंचा है सतना का तापमान। अजमेर में पेट्रोल पंप पर आग लगने से धमाका, 2 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी। फरीदाबाद में ज्वेलरी दुकान में लाखों की चोरी, गैस कटर से छत का दरवाजा और अलमारी काटी। रामपुर में कोहरे के चलते ट्रक से भिड़ी बोलेरो गाड़ी, 9 लोग जख्मी। ऊधम सिंह नगर में हाईवे पर जली चलती कार, 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वारा में ट्रक और बस के बीच भिड़न, 15 जख्मी। दुनिया में 10 करोड़ 20 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 22 लाख से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 2 करोड़ 63 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 4,43,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में सिर्फ एक दिन में करीब 4,000 लोगों की मौत, एक दिन में सामने आए 1,60,000 नए मामले। वैक्सीनेशन के बावजूद अमेरिका में लगातार बिगड़ रहे हालात। मिशिगन में कोरोना की चपेट में आने से 9 रोमन कैथोलिक नन की मौत। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने लगवाया कोरोना का वैक्सीन, न्यूयॉर्क के स्कूल में बने टीकाकरण सेंटर में पहुंचे गुटेरेस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।